नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स सैंबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजना का शिलान्यास और नवनिर्मित 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का लोकार्पण किया। कुल 41,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को दी है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा जमशेदपुर, चक्रधरपुर, चैबासा, डांगवापोसी, बड़बिल और बड़ा जामदा रेलवे स्टेशन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड में 18 स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया और दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में 23 रेल ओवर ब्रिज एवं अंडरपास का उद्घाटन एवं 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। 1321 स्टेशनों का कायाकल्प अमृत भारत योजना के तहत होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। चैबासा स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीनियर DCM गजराज सिंह चरण और पूर्व मंत्री बड़कुवर गागराई ने स्थानीय स्तर पर शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया। करसुआ और मनहरपुर का जब शिलान्यास हुआ तब लोग सोचे चक्रधरपुर चैबासा का कब बनेगा, किन पुछी का कब होगा, डंगो पुछी का कब होगा, लेकिन आज हम लोग उस साकार रूप देखने का हम सबको अवसर मिला। इसलिए आज पूरे देश में जो रेल क्षेत्र में रेल स्टेशन को किस तरह से आधुनिक रूप देने का काम किया, निश्चित रूप से हम लोग को ये सुविधा मिलेगी। लेकिन मैं इस क्षण में मैं कुछ कहना भी चाहूंगा, जो रेल प्रशासन ने, रेल विभाग ने ये जो लंबे समय से जो यात्री ट्रेन हम सबको मिलता नहीं था, सिर्फ हम लोग को लंबे आंदोलन के बाद जनशताब्दी एक्सप्रेस मिला, लेकिन पहली बार फिर हम लोग को पूरी से लेकर के लोकानंद विहार तक एक नया ट्रेन यहाँ से इसे मिलने जा रही है और निश्चित रूप से कई एक दिन डेट आएगा, उस दिन हम सभी मिलकर के उस ट्रेन का हम लोग आनंद लेंगे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री का सोच है, हम सबको आने वाले समय में और भी सुविधा मिलेगी। इसमें देखिए, आज जैसे आप सब मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया तो बताया था कि देश में यह अभूतपूर्व क्षण है। 1500 परियोजनाएं और 554 स्टेशन, आप समझ लीजिए लगभग 2000 जगहों पे अलग अलग प्रोग्राम हुआ जिसमें करीबन 40 लाख लोगों ने शिरकत की है और रेलवे में 40,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हुआ है। झारखंड राज्य अकेले में 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 11 स्टेशन जिसमें चक्रधरपुर डिवीजन के हैं उसमें चाईबासा भी शामिल है, तो विश्व स्तरीय यहाँ पर स्टेशन बनाया जाएगा। जो कस्टमर एम्यूनिटीज विकसित राष्ट्रों में होती है वो अब हमारे रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध होगी, जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था। कितने दिनों में ये परिवर्तन दिखेगा? आज इसका शुभारंभ हुआ है, लगभग 2 वर्षों में इसकी कम्प्लीशन की हम जो है उम्मीद करते हैं। कार्य भी शुरू हो जाएगा, काम तो स्टार्ट हो जाएगा, कम्प्लीशन बता रहा हूँ। कई दुकानें यहाँ प्रभावित हो, कई जगह लोग कहीं जो वैध दुकानें हैं जिनको जो वैध रूप से अगर स्थापित है तो उनको तो पुनर्वासित किया जाएगा, अगर वो अवैध है तो फिर उस पर कुछ विचार किया जाएगा। बड़कुल जी, आप कुछ कहें। झारखंड में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने कमल थाम लिया है, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गीता कोड़ा को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान विपक्षी दल के नेता अमर बाउरी, ढुल्लू मातो भी मौके पर मौजूद थे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने देश को गर्त में डाला है वह काफी दुखदाई है। एक तरफ कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है तो दूसरी तरफ वह यह बोलती है कि सबको साथ लेकर चल रही है, यह दोहरा मापदंड कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है। मैं अपनी इस नई पारी की शुरुआत के लिए भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करती हूं और उन्हें धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। और इस नई शुरुआत के लिए मैं अब कहीं तय से आभार व्यक्त करती हूं। कांग्रेस को छोड़कर आज
मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, इसके पीछे जो कारण संविदित है, जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है, एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना, और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी और सपनों के भारत में जो भी मेरी भागीदारी होगी मैं उसे करूंगी। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना, हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास, दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला को आज एक साथ तीन आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालयों के सौगात मिली। भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज तातनगर, मंझारी और नोआमुंडी प्रखंड में बनाए गए आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के सभी जिलों में एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटपानी प्रखंड में एकमात्र एकलव्य विद्यालय संचालित होता था। इसकी उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार ने जिले के सभी प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय बनवाने का काम शुरू किया है। इसमें से तीन विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, जिनका आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकार्पण किया। इस दौरान उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी मौजूद रही। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि एकलव्य स्कूलों में ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। बेहतर शिक्षा मिलेगी तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए ही इन विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। यह आदर्श विद्यालय आपके प्रतिभा को उभारने के लिए जहां प्रयत्न कर रहा है, वहीं साथ ही साथ यह भी कोशिश है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाइयों एवं बहनों को हर तरह की सुविधा के साथ साथ मान सम्मान, क्योंकि जनजाति समाज, आदिवासी समाज अपनी पहचान, अपनी असीमता के लिए हमेशा सतर्क सजग रहा। भगवान बिरसा मुंडा हो या फोटो हो, या सिद्धू कानू हो, या चांद भैरव हो, या नीलांबर पितामह, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने का कारण क्या? अपना मान सम्मान और स्वाभिमान। जिला पशुधन कार्यालय परिसर में पशुपालन मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इन
तीन दिवसीय मेला में पशुधन विकास योजना के तहत चयनित 324 लाभुकों के बीच पशुधन का वितरण किया जाएगा। इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बैंक एवं बीमा कंपनियों को भी बुलाया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुधाकर सिंह मुंडा ने बताया कि सीएम पशुधन विकास योजना सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत दूध, अंडा और मांस के उत्पादन में वृद्धि कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही ग्रामीणों को पशुपालन के द्वारा रोजगार के सृजन कर तथा अतिरिक्त आमदनी का सृजन करना है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी सदर बाजार चैबासा। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वागत किया है। चायबासा में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। लोगों के जुड़ने से संगठन को विस्तार और मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया तो स्वाभाविक रूप से ये मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार राष्ट्र विकास के ध्येय को लेकर 21वीं सदी का भारत बनाता एक जिसे कहा जाए विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में सब जुड़ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में सर कितना बल मिलेगा इसमें? देखिए, ये पार्टी पूरे देश के यानी भारतीय जनता पार्टी जो भी आना चाहता है उनका स्वागत है, और किसी के भी आने से स्वाभाविक रूप से संगठन के विस्तार में लाभ मिलता है, अब तो संगठन के विस्तार के काम में। झारखंड में पहली बार झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग रांची के मोरहाबादी मैदान में 28 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होने वाला है। झारखंड राज्य कबड्डी एसोसिएशन के तत्वावधान में ट्रायल का आयोजन किया गया था। इस ट्रायल में झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और बिहार से 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल में 150 खिलाड़ियों का चयन हुआ। पश्चिमी सिंहभूम से 3 खिलाड़ियों ने ट्रायल में हिस्सा लिया था, जिसमें 2 खिलाड़ी अशोक सिरका एवं मनोहर पिंगुआ का झारखंड प्रीमियर लीग में चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ी 27 फरवरी को चैबासा से रांची के लिए रवाना होंगे। चयन होने पर कोल्हान प्रभारी श्यामल दास, जिला अध्यक्ष दीपेंद्र प्रसाद, जिला सचिव अनुपूर्ति, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार, राजेश कुमार और कोच शिव मुखे ने शुभकामनाएं दी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।